रायपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज, सभी ग्रुपों के सुझाव आ रहे हैं। पाटन में नव नदी की सफाई के नाम पर खोल दिया एनिकेट, सरपंच के शव पर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन जारी। धमतरी में अवैध निर्माण पर तहसील कार्यालय का हुआ घेराव, अवैध निर्माण पर ग्रामीण हुए आक्रोशित। रायपुर में नारकोटिक सेल की हुई कार्रवाई, 88 नग नशीली सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोर छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित फिल्म फूलन द मेज देखने पहुंचे। ये कहानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक प्रचलित मान्यताओं को कहानी का रूप देकर लिखी गई संजय बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। इसका निर्देशन मनोज वर्मा ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित भूलन द मेज देखने के बाद फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि भूलन द मेज फिल्म छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसे 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे 1 करोड़ रुपए की राशि से पुरस्कृत किया है। जीवन पर बना है, ग्रामीण व्यवस्था पे बना है, किस प्रकार से गांव की व्यवस्था होती है उस पर, और फूलन कांदा जंगलों में जो पाया जाता है उस पर स्टोरी है। लेकिन जिस प्रकार से वो उसके जो हीरो है भकला, और शहर में आके किस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगा रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में अभी तक के देखने को मिला है। बहुत अच्छा फिल्मांकन भी है और कलाकार भी बहुत अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और मैं समझता हूँ कि पिक्चर देखने के लायक है। तो राजधानी रायपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में सभी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 ग्रुप बनाए गए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि प्रथम सेशन में उन सभी 6 ग्रुप में सार्थक चर्चाएं हो रही है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के सुझाव भी आ रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि इन सुझावों को अंतिम में कार्य रूपों में किस प्रकार प्रणीत किया जाना है, इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सार्थक निर्णय लेने की बात कही। जो ग्रुप के बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और उसमें उन ग्रुपों की सार्थक चर्चा हो रही है, जो जो सब्जेक्ट दिए गए थे उस पर सार्थक चर्चा हो रही है, सुझाव भी आ रहे हैं और उसको अंत में जो भी सुझाव आए हैं उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वीकार करके कार्य रूप में प्रणीत कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बताएंगे और अंत में हम लोग मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय पूनिया साहब, माननीय CM साहब और हमारे वरिष्ठ जन हर जो ग्रुप के बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और उसमें कार्य रूप में प्रणीत करने के लिए आगे कार्य योजना बनेगी। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वरूप, कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में क्या निचोड़ निकला है? स्वरूप, देखिए सत्र के दूसरे और अंतिम दिन का आज था, जो उदयपुर चिंतन शिविर की जो घोषणा पर जो विचार विमर्श हुआ, संगठन का विस्तार और उसका क्षेत्राधिकार, जिला स्तरीय पदयात्रा, राजधानी रायपुर में आयोजित जो ये आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम आयोजित होगी उसमें पदयात्रा भी निकाली जाएगी, उस पर भी मंथन किया गया। संगठन के रिक्त पदों पर नियुक्ति कैसे की जाए और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को किस तरह से गति दी जाए ताकि
भाजपा को पदमुक्त कराया जाए, जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, उसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार में काबिज हो, इसकी पूरी मंथन किया गया इस पर और विषयों पर, जैसे अन्य कई विषयों पर भी नेताओं ने चर्चा की जी। सबसे और इनमें जो सबसे बड़ी बात जो थी, जो अक्सर जो कांग्रेस में देखा जाता था कि एक व्यक्ति एक पद ना होकर एक ही व्यक्ति के पास कई पद होते थे, जो जिसमें अब इस चिंतन शिविर में उदयपुर के बाद अब हर प्रदेश में की राजधानी में चिंतन शिविर की गई थी। चिंतन शिविर के दौरान ये सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा और उसपे एकदम काबिज रहेगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ये था कि जो लोकसभा और विधानसभा जो आगामी जो है उस पर एक रणनीति बनाई गई ताकि दोनों ही चुनाव में कांग्रेस काबिज हो, क्योंकि यदि देखा जाए, यदि केंद्र की बात की जाए, यदि देश भर की बात की जाए तो कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो काफी कम होता जा रहा है। इसको देखते हुए अब सभी जगह जिस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, उसी तरह अन्य प्रदेशों में भी सरकार बने। और रही बात जैसे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है जो 2023 में होगा, अब जब 71 सीट पर कांग्रेस काबिज है तो 71 सीट को ज्यादा बढ़ाया जाए न कि घटने, तो ताकि ये न घट पाए, इसीलिए ही जो कार्यकर्ता हैं उनको बूथ स्तर तक उनको पूरी तरह से कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की रीति इनको समझाया जाएगा, क्योंकि इसमें युवा वर्ग भी काफी जुड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस संगठन का चुनाव भी सामने है, जिस संगठन उसमें राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, यानी आगामी जो इनका राष्ट्रीय चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बैठ सकते हैं। जी जी, इस शिविर में मिशन 2023 की नैया को पार लगाने की रणनीति बन रही है क्या स्वरूप? देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो शिविर था, ये शिविर मुख्यतः जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाने पर की गई है, ताकि हर हर घर घर तक कांग्रेस की रीति और नीति पहुंचाई जा सके। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने अपना केंद्र सरकार की रीति नीति को घर घर दस्तक दे रही है, उसी तरह ही कांग्रेस भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति है, कांग्रेस अच्छे बहुत ही अच्छे स्थिति में है, 71 सीट यानी ये देश भर में सबसे अच्छा जो स्थिति माना जाए तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। और भूपेश बघेल इसमें पार पाते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही जो मंसूबा था जो छत्तीसगढ़िया जो शब्द है उस छत्तीसगढ़िया रीति नीति और संस्कृति को जोड़ते हुए राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह की तर्ज पर ही मिशन 2023 जो है उसकी नैया को पार लगाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इन रणनीति पर अब तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है, इस कारण से ये कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। लेकिन विश्वस्त सूत्र ये कहते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर काफी मंथन हुआ है और इसमें एक दूसरे की किसी भी तरह से खिंचाई ना हो, एकजुटता बनी रहे, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जी स्वरूप, जब भी सीएम कोई ना कोई गतिविधि करते हैं विपक्ष कुछ ना कुछ जरूर बोलता है, लेकिन इस शिविर में इस वक्त विपक्ष मौन है, क्या कारण है? विपक्ष अब दो दिन के पूरे आकलन में जुटा हुआ है, ऐसा नहीं कि विपक्ष मौन है, विपक्ष भी की नजरें बहुत तेज हैं, विपक्ष में भी हालांकि हैं तो महज 14 ही हैं, भाजपा में महज 14 ही हैं, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो उनके 3 विधायक हैं और बसपा के 2 हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है विपक्ष एकदम नगण्य है खासकर छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी भाजपा कहीं भी किसी भी तरह से अपने को पीछे नहीं कर रही है और हर आंदोलन में कांग्रेस को या सीएम भूपेश बघेल को डायरेक्ट टारगेट बनाकर घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो अब देखना यह होगा कि ये जो 2 दिन का जो शिविर है, इसके बाद जैसे कि आप किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, वो कल उनका दौरा है छत्तीसगढ़ में, तो इस पर तो जरूर बात होगी। जो 2 दिनों तक जो इन्होंने चिंतन शिविर किया है, इस पर केंद्रीय मंत्री जरूर उसमें बात करेंगे और उससे उसका पक्ष रखेंगे, उस पर कटाक्ष भी करेंगे, ये भी तय है। तो देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या होता है। दूसरी तरफ जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अब तक छुटपुट जवाब तो दिया है, लेकिन
खासा जो घेरने वाली जो बात है वो कल ही कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि आज देर शाम तक चिंतन शिविर चालू लगातार चलेगी। उसके बाद कांग्रेस का जो जो स्टंट है, जो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस की नीति है, वो जब सामने बाहर निकल के आएगी तो उस पर ही भाजपा घेरने के लिए अपने आप को तैयार करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नारायणपुर जिले में लगातार वहां के लोग मलेरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जहां उसे महामारी घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मलेरिया काफी हद तक कंट्रोल में है। साथ ही मलेरिया मुक्त बस्तर के संबंध में उन्होंने कहा कि नारायणपुर जिले में भी इसे महामारी घोषित करने की बात सामने आई थी। इसे सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने खंडन कर दिया है। एपीआई अर्थात एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों में मलेरिया पाया जाता है उसे एपीआई की संज्ञा दे के हम काम करते हैं। और बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चालू एक है, ये पूरे बस्तर की जानकारी है। और नारायणपुर के संदर्भ में जहां आज की स्थिति है ये 2.32 पे है। जब मलेरिया मुक्त अभियान प्रारंभ हुआ था, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि नारायणपुर में ये 64% था, वर्तमान में ये 14% है। एपीआई अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।